प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से अपने एक हफ्ते के दौरे के बाद भारत वापस आ गए हैं। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए पीएम का जमकर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के पास भारी संख्या में लोग उन्हें लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और दूसरे मुद्दों को दुनिया के सामने रखा है, उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। शुक्रवार को इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर कश्मीर की जनता पर अत्याचार करने समेत कई आरोप लगाए थे, जिनका जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर गंभीर सवाल उठाए कि क्या पाकिस्तान इस तथ्य की पुष्टि करेगा कि वह आज यूएन द्वारा घोषित किए गए 130 आतंकवादियों और 25 आतंकी संगठनों का घर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में इमरान खान कश्मीर का राग अलापते रहे। अपने संबोधन में यूएन को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाने वाले इमरान ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन भी किया। इमरान ने 50 मिनट का भाषण दिया, जो सीधे तौर पर यूएन के नियम का उल्लंघन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। INS खंडेरी के नौसेना में शामिल होने से भारत की नेवी की क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है। INS खंडेरी में 40 से 45 दिनों तक सफर करने की क्षमता है। INS खंडेरी को नौसेना में शामिल करने के बाद राजा सिंह ने कहा, अब 26/11 जैसी साजिश कामयाब नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के बटोट डोडा रोड पर सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला सेना के काफिले पर हुआ है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने और जवान के घायल होने की खबर नहीं है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपचुनावों की तारीख बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को कराए जाएंगे, वहीं 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशा के दौरे पर है। गोपालपुर स्थित सेना के आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज के एक समारोह में वो शामिल हुए। राष्ट्रपति के साथ इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने समारोह में आर्मी एयर डिफेंस कोर को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भूटान, ग्रीस और मॉरिशस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की, ताकि संबंधों को और अधिक बढ़ावा मिल सके। बिहार में लगातार हो रही बारिश के चलते रेल यातायात और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल स्कूलों को बंद करने के संबंध में माता पिता को SMS भेजकर सूचित करें। आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। अगर आपने इस तारीख तक अपना आधार पैन लिंकिंग का काम नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।